एक बार फिर से लेकर हाजिर है प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हैं, रुकते हैं आज की पहली बड़ी खबर खबर पट्टी इलाके से, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने किया आदर्श पुलिस सहायता केंद्र अमरगढ़ का फीता काटकर उद्घाटन। इलाके के तमाम गणमान्य लोग रहे मौजूद। दरअसल तस्वीर है आजपुर देवसरा इलाके के आदर्श पुलिस सहायता केंद्र अमरगढ़ का, जिसका फीता काटकर प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार ने उद्घाटन किया। एसपी ने आसपुर देवसरा के निरीक्षण के दौरान पुलिस कल्याण हेतु नवनिर्मित आदर्श भोजनालय का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। साथ ही थाना परिसर में भ्रमणशीलता कर थाने की मूलभूत व्यवस्थाओं साफ सफाई को चेक कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। सुनिए क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार का। ये जनता के लिए उपयोगी हैं और साथ ही पुलिस कर्मियों के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं, ताकि पुलिस कर्मी अपना बेहतर तरीके से ध्यान रखें और जनता की बेहतर सेवा कर सकें। आपके पूर्व के आईपीएस सतपाल अंतिल जी पूरे जनपद में चौकी और थानों की भरमार कर दी है, आपके आने के बाद कैसा महसूस होता है प्रतापगढ़ जनपद? ये अच्छी बात है कि देखिए जितनी थाने और चौकियाँ जो जनपद की जनसंख्या के हिसाब से और जो परिस्थितियों के हिसाब से आवश्यकता है, उसी हिसाब से जो मेरे पूर्वाधिकारी थे उनका लंबा कार्यकाल रहा और उन्होंने काफ़ी इसमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर को शासन से बातचीत करके और परस्यू करके बहुत बेहतर तरीके से बनाया है। और मैं समझता हूँ कि अन्य जनपदों की बजाय यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पुलिस के मामले में कहें तो बेहतर है, और मैं चाहूँगा कि हम लोग उसी परम्परा को आगे जारी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे देलुपुर थाना क्षेत्र की खबर की, जहां इलाके के एक युवती का इंस्टाग्राम आईडी हैक कर वायरल किया गया अश्लील फोटो। शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर, शुरू किया मामले की जांच। दरअसल देलुपुर इलाके की एक युवती की इंस्टाग्राम आईडी एक युवक द्वारा हैक कर लिया गया। आरोप है कि हैकर युवक ने महिला और उसके परिवार के अन्य सदस्यों की फोटो अश्लील बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी, साथ में अभद्र टिप्पणी भी की गई। जब मामले की शिकायत प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक से किया गया तो एसपी के आदेश पर अब मोहित यादव नाम के एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप यह भी लगाया गया कि फोटो हटाने के लिए युवक द्वारा 50,000 रुपए की डिमांड की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया है और मामले की जाँच कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं बागराय थाना क्षेत्र की खबर की, जहां कमिशन और नैन का पूर्वा इलाके में धड़ल्ले से किया जा रहा हरे पेड़ों की कटाई। वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी ने दिया मामले में जांच के आदेश। दरअसल यह वायरल वीडियो बागराय थाना क्षेत्र के कमासिन और नैन का पूर्वा और उसके आसपास के इलाकों का है, जहां धड़ल्ले के साथ हरे पेड़ों की कटाई की जा रही है। इसका वीडियो स्थानीय लोगों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया। मामले की शिकायत भी इलाके के लोगों द्वारा जिलाधिकारी से की गई। वीडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी ने अब पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि आए दिन इलाके में हरे पेड़ों की कटाई जोरों पर चल रही है और इस पर अंकुश लगाना न सिर्फ पुलिस के लिए बल्कि वन विभाग के लिए भी अब बड़ी चुनौती हो गई है। लाल गोपालगंज का नाम है तो और नाम का है, क्या नाम है आपका? तिवारी जी, ये पेड़ जो है आप कैसे कटवा दिए, परमिशन लिए हैं क्या? हरा भरा महुआ का वृक्ष है, ये कटवा दिए, ये सारे उपकरण हैं, कैसे कटवा दिए, किसका पेड़ है? खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके खबर की, जहां नई दिल्ली के बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष ने किया शहर के एक होटल में प्रेस वार्ता, जिले के शिक्षकों को किया जाएगा सम्मानित। बता दें कि प्रतापगढ़ शहर के एक होटल में नई दिल्ली बार एसोसिएशन के पूर्व उपाध्यक्ष आलोक कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 28 जुलाई रविवार को धर्म सम्राट स्वामी करपाती जी की स्मृति में जिले के शिक्षकों को शिक्षक गौरव सम्मान 2024 के तहत सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने जानकारी दिया कि प्राथमिक विद्यालय से लेकर डिग्री कॉलेज तक के शिक्षकों को इस समारोह के माध्यम से सम्मान पत्र दिया जाएगा। इस दौरान उनके साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन के पदाधिकारियों के अलावा प्राथमिक शिक्षक संघ के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे।